down. Down. Hey, what is up guys, welcome back to my channel everyone and I hope guys doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? सो भाई लोग यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि आज की इस वाली वीडियो पे ना मैं कतई गेम प्ले तबाही वाला देखने को मिलेगा आप लोगों को, और उसी के साथ गाइस मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे साथ एक चीज़ घटा कल रात को, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग है और गेम प्ले भी भाई तबाही है। तो फिलहाल तो मैं उतर चुका था स्टेडियम पे और उतरते देखो मेरे को घंटा भी गन्ने मिला और इधर बहुत सारे बंदे आ चुके थे, तो यहाँ पर फाइनली मेरे को VSS मिल चुका था, बट ये गन भाई घटिया गन है, ठीक है। तभी गाइस यहाँ पर देखना मेरे को लेवल 2 का बैकपैक जैसे मिला, तभी मैं इधर को जा ही रहा था क्योंकि इधर को फुटस्टेप आ रहा था और देखो क्या होता है। तो यहाँ पर मेरे को फाइनली M416 और इसके साथ AWM मिल चुका था। अब देखो यहाँ पर कैसे निपटा तो एक बंदे को। सो गाइस मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि क्लोज रेंज में, मतलब जो क्लोज रेंज फाइट होता है वहाँ पर अगर आप लोग सो के खेलोगे तो बहुत चांसेस है कि आप लोग बंदे को पेल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यार क्लोज रेंज में क्या होता है ना कि ज़्यादातर बंदे जो हिट लगाते हैं वो लगाते हैं छाती पे या फिर सर पे, ठीक है। तो अगर आप लोग डायरेक्टली सो दोगे ना तो इतने तेज़ी से वो लोग नीचे पाँव की तरफ नहीं मार पाएगा। अगर फिलहाल तो मैं बता दूँ आप लोगों को कहानी के बारे में, कहानी गाइस ये है कि कल रात को मैं जब गेम खेल रहा था, आपको पता है यार मैं रात को 12 बजे के बाद गेम खेलता हूँ, बिकॉज गाइस उस टाइम पिंग अच्छा रहता है और जो सर्वर वगैरह होता है वो भी अच्छा चलता है, मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है, सर्वर का इशू नहीं होता और बंदे भी तगड़ा तगड़ा आते हैं। तगड़ा का मीन्स जो हाई लेवल के प्लेयर्स होते हैं, और गाइस हाई लेवल के प्लेयर्स के साथ फाइटिंग करना ना बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है, बिकॉज गाइस उसमें आप लोगों को अपना स्किल्स दिखाने का मौका मिलता है। अब गाइस यार हुआ क्या कि कल रात को जब मैं ऐसे गेम खेल रहा था और खेलते खेलते 2-3 मैचेस मैंने खेल लिया था ऑलरेडी और मेरा जो गेम प्ले था वो रिकॉर्ड हो चुका था, बट गाइस आपको पता है मैं जब भी गेम खेलता तो मेरा रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रहता है, और एक यूट्यूबर के लिए और एक कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए, गेम प्ले मतलब कॉन्टेंट क्रिएटर के लिए ये कॉमन चीज़ है कि उसका रिकॉर्डिंग हमेशा ऑन रहता है। जी हाँ, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ लफड़ा हो सकता है और मतलब कर सकता है, ठीक है, मतलब वो उस पर टॉपिक पे मतलब वीडियो बन सकता है, ठीक है, तो इसीलिए वो हमेशा उसका रिकॉर्डिंग ऑन रहता है। बट यहाँ पर देखा आप लोगों ने क्या हुआ, गलत सीन हो गया यार मेरे साथ, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले गेम प्ले में मैं चर्च पे उतर चुका हूँ एंड चर्च पे उतरने के बाद देखना यहाँ पर मेरे को उतरते ही क्या मिलता है, फर्स्ट एड किट, एंड उसी के साथ यहाँ पर मेरे को मिल गया पुचुक पुचुक गन। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं पुचुक पुचुक गन इसीलिए बोलता हूँ बिकॉज आपको पता है ये कैसे चलता है यार। तो यहाँ पर मैं जैसे उतरा चर्च पे तो यहाँ पर एक भी बंदा नहीं उतरा था, तो मुझे लगा भैया एक भी बंदा शायद नहीं उतरेगा, बट तभी गाइस मैं जैसे चर्च के बाहर जाऊँगा तभी देखना यहाँ पर 2-3 बंदे आ जाएंगे और ये पूरा स्क्वाड था।
सो ऑलमोस्ट मैंने स्क्वाड के तीनों बंदों को निपटा दिया था, अब लास्ट वाला बंदा इस गाड़ी पे था। अब पहले तो मुझे लग रहा था कि ये जो लास्ट वाला बंदा है जो कि गाड़ी में था, ये वाला बंदा मेरे को लग रहा था कि उसके टीममेट का था, तो ऐसा यहाँ पर मैंने बॉट फायर करके मुझे लगा कि वो वाला बंदा शायद मुझ पर रस कर दे और मैं मौका उठा के उसको ख़त्म कर दूँ। बट वो वाला बंदा भाई पतली गली निकल लेता है, मतलब पतली गली पकड़ के निकल लेता है। फिर वो वाला बंदा जाके इधर को रुकता है उस वाले टावर हाउस पे, और देखना है उसको कैसे निपटाते हैं। अब मैंने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, और यार इस वाले शॉट के लिए ना एक लाइक तो भाई बनता है यार। तो जाओ यार अभी के भी जाओ वीडियो को लाइक मारो। अब यार बात करते हैं कहानी के बारे में। तो यार बेसिकली मैं जब रात को खेल रहा था तो मेरे साथ हुआ क्या कि जब मैं थर्ड वाला गेम प्ले लगाया, फिर मैं खेलने लगा, तो लॉबी पे गाइज एक चीज़ मैंने देखा जो कि बहुत ज़्यादा अनोखा था। वो था गाइज कि मतलब आप लोगों को शायद कॉमन लगेगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस पे देखे होंगे, बट मेरे लिए वो कॉमन नहीं था, बिकॉज गाइस ऐसा हैक मैंने आज तक नहीं देखा था। क्योंकि गाइस क्या हुआ था कि वो जो गाड़ी था वो गाड़ी हवा में उड़ रहा था, ठीक है। अब तुम लोग बोलो कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो भाई हर एक हैकर कर लेता है, मतलब हवा में गाड़ी तो उड़ ही सकता है, इसमें क्या दिक्कत की बात है। बट गाइस यार इसमें दिक्कत की बात ये है कि वो गाड़ी ऐसे नॉर्मली हवा में नहीं उड़ रहा था। अबे तुम लोग बोलो कि भैया नॉर्मली हवा में नहीं उड़ रहा था तो कैसे हवा में उड़ रहा था? सर वो एक्चुअली क्या हुआ था जानते हो, मतलब ऐसे हवा में कुछ देर फ्लोट कर रहा, ठीक है, मतलब कुछ देर हवा में फ्लोट कर रहा था, उसके साथ ही तुरंत एकदम ऊपर चला गया, एकदम ऊपर, मतलब भाई कतई आसमान फाड़ के निकल गया, ठीक है। अब मुझे लगा भैया ये तो क्या ग्लिच है भाई, कतई गंदा वाला ग्लिच है। फिर मुझे पता चला कि भैया ये ग्लिच नहीं है, ये है हैक। अब उस वाला क्लिप को मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बिकॉज गाइज आपको पता यार, मतलब पबजी मोबाइल वाले, मतलब टेंसेंट वाले अभी क्या कर रहे हैं, मतलब सबको भैया कॉपीराइट दे रहे हैं जो भी हैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब पता नहीं, हम लोग तो हैक करते नहीं हैं, हम लोग हैकिंग के बारे में बताते हैं, बट उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो यार। बट यार अगर आप लोगों का ज़्यादा डिमांड रहा ना तो मैं वो जो हैकर का क्लिप था गाड़ी वाला आए घर से कचरा निकाले वो वाला चीज़ नहीं, मतलब गाड़ी वाला जो हैकर था उसका जो क्लिप है वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा अगर आप लोगों का ज़्यादा डिमांड रहा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को वो वाला क्लिप देखना है कि नहीं, तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। और जिसको भी यूज़ करना है वो वाला क्लिप तो ईजिली आप लोग यूज़ कर सकते हो। बट गाइज लिटरली बता रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा हैकर नहीं देखा था, कसम से बता रहा हूँ। मतलब कदी चांद पे चला गया रे, मतलब क्या बता सकता हूँ, मतलब पूरा एकदम हवा में फ्लोट किया 2-3 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए, उसके बाद पूरा एकदम रॉकेट की तरह हवा में चला गया, एकदम छोटा हो गया, ठीक है, एकदम छोटा हो गया। और भैया मैं देखने के बाद जो मेरा हालत था ना वो क्या ही बता सकता हूँ मैं। तो फिलहाल तो ये बात रहा हैकर के बारे में, अब बात कर लेते हैं गेम प्ले के बारे में। तो नेक्स्ट वाले गेम प्ले तुम लोग देख सकते हो, मैं 10 बंदे को ठिला चुका हूँ अभी तक, और यहाँ पर मेरा जो हालत है वो एकदम भैया मतलब क्या बता सकता हूँ 50-50 है। और यहाँ पर मैं जैसे देखना यहाँ पर मैं जा रहा था तभी मेरे को इस वाले अपार्टमेंट पे एक बंदा दिख चुका था, बट मुझे लगा कि भैया बॉट है। उसके बाद गाइस कुछ ज़्यादा ही फायरिंग आने लगा, तब मुझे पता चल गया कि ये वाला बॉट नहीं है, ये वाला बंदा है। अब देखना गाइस अपार्टमेंट्स की तरफ मैं जाऊँगा और वहाँ पर मेरे साथ क्या ही घोटाला होता है और क्या ही गंदा मरता हूँ, एंड कसम से वहाँ पर देखना मेरा कमीनापंथी, देखना एक चीज़ क्या मैं करता हूँ ना वो चीज़ देखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं घुमाया गाड़ी को, उसके बाद यहाँ पर मेरे को देखा आप लोगों ने खिड़की पे मेरे को बंदा दिख चुका था। अब देखना एक बंदा कूद जाएगा, अब यहाँ पर मेरा कमीनापंथी, मैंने खुद सुसाइड कर लिया क्योंकि उन लोगों को किल देना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मरूंगा गाइस। ओके